प्रदेश भर में आज होली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जगतगुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य शास्त्री कौशलेंद्र दास ने बताया कि होली का त्यौहार अनादिकाल से चला आ रहा है। उन्होंने होली के महत्व के बारे में बताया। जो चार पर्व अनादिकाल से चले आ रहे हैं, होली उनमें एक है। यह जानने की बात है कि फाल्गुन पूर्णिमा पे जो होली है, वास्तव में यह शास्त्रों में नव सस्येष्टि है। नव मतलब नया, सस्य मतलब धान और इष्टि मतलब यज्ञ। यह जो नया धान इस समय पक कर के आ रहा है, गेहूँ जो चना, उनको अग्नि देवता को समर्पित करने के लिए हमारे पुरखों के द्वारा जो यज्ञ किया जाता था वह नव धान्य इष्टि कहा जाता था। आज भी वह परंपरा हमारे यहाँ चल रही है और सामवेद से लेकर के उसका विधान है। वास्तव में होली एक यज्ञ है और फसल के पक आने पर कृषि और ऋषि, इन दोनों के सम्मिलन को प्रकट करने के लिए यह होली का उत्सव है।